देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 ये थोड़ा डरावना टाइप का है, क्योंकि देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C16H16, है ना। जब भी इस तरह का डरावना मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि थोड़ा सा चिंता होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, आराम से कुछ ना कुछ क्लू ऐसा दिया होता है जिससे वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, कहता है ये कंपाउंड ए है और यही चारों ऑप्शन में ये कंपाउंड दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पीएच का मतलब क्या समझते हैं आप? पीएच का मतलब होता है बच्चों C6H5 होता है ना। तो C6H5 देखिए, यहाँ पर 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, यहाँ पर 6 6 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 2 16 हो गया, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शन सेट किया हुआ है ना, वो इसी हिसाब से, आपको तो ऑप्शन के हिसाब से नहीं कुछ समझ में आया, ऑप्शन के हिसाब से बढ़ जाएगी, ठीक है। खैर, तो कहता है कि जो भी कंपाउंड होगा, मतलब ये तीनों ऑप्शन में से, उसका जब ओजोनोलाइसिस होगा तो आपको कंपाउंड बी मिलेगा, ठीक है। देखिए, मैं ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगा, ठीक है, आप भी बता सकते हो। देखिए, तो ओजोनोलाइसिस करने के बाद ये कंपाउंड मिला होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है ना वॉल्व किसनर है, ठीक है। तो वॉल्व किसनर लेने के बाद जो है हमें ये प्रोडक्ट मिला होगा। तो देखिए, ये जो है ना, एक प्रकार से गौर से अगर आप देखिए तो ये एक पीएच है, और पीएच के बाद जो है कार्बन है, CH2 बोल देता हूँ और CH3 बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फाइनल कंपाउंड ये दिया हुआ है। अब आप गौर से सोच कर देखिए कि वॉल्व किसनर किया हुआ है, ठीक है। वॉल्व किसनर जो है, वॉल्व किसनर क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में बदलता है। इसका मतलब, इसके हिसाब से अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे कंपाउंड दो ही प्रकार का दिख रहा है, या तो ये सी डबल बॉन्ड ओ CH3 रहा होगा, या फिर पीएच और सीएच डबल बॉन्ड, सॉरी सीएच और सीएच डबल बॉन्ड ओ रहा होगा, ठीक है। यही दोनों में से कोई एक रहा होगा, CH2 सीएच डबल बॉन्ड। अब ये बात तो सही है, ठीक है भाई, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, हमें पता नहीं है, हमें बी के बारे में सोचना है, ठीक। तो बी के बारे में अगर आप सोचिए तो देखिए, ये है C6H5 है, ठीक है। तो C6H5 है, तो 6 कार्बन यहाँ पर, 1 7 1 8 भी हो गया, चलो यहाँ तक भी सही है। 5 हाइड्रोजन इसमें, 5 2 7 1 8, ये भी मिल रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही तो हैं, तो आइसोमर है तो स्वाभाविक बात है मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होने वाला है, मतलब अभी तक हमें पता नहीं चला है। अब आप सोच के देखिए कि ये जो मैंने बी है, हमने बी के बारे में अनुमान लगाया कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ये मिला कैसे होगा? ये ओजोनोलाइसिस से मिला होगा। तो ओजोनोलाइसिस से अगर मिला है, ठीक है, ओजोनोलाइसिस से मिला है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ओजोनोलाइसिस से मिला है तो आप ये सोचिए कि जरूर ये कुछ ऐसा रहा होगा। जैसे मैं इसके हिसाब से सोच के बताता हूँ पहले आपको कि पीएच और फिर यहाँ पर सी है और CH3 है, ऐसा ही है, ठीक है। और डबल बॉन्ड, फिर सी और फिर पीएच और फिर CH3, तभी ना ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है, ये बीच वाला जो डबल बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगा देते हैं, इसका मतलब ये रहा होगा। अच्छा, और ये नहीं रहा होगा तो फिर इसके हिसाब से सोचिए, क्या सोच के देखिए, पीएच CH2 और फिर यहाँ पर देखिए CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 और पीएच, ये रहा होगा। तो ये तो देखिए आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये तो पहला नंबर एल्डिहाइड वाला ऑप्शन ही गायब कर दीजिए, कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गया। इसका मतलब ये है कि अगर मतलब आपको ये कंपाउंड चाहिए तो यही में से मतलब इस तरह का ही कोई ना कोई कंपाउंड होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह के कंपाउंड में भी देखिए बच्चों, दो प्रकार का सिचुएशन हो सकता है। ये देखिए गौर से, ये सिस फॉर्म है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ओजोनोलाइसिस कीजिएगा तो डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, लेकिन ऐसा तो हमारा कंपाउंड है ही नहीं अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर, ठीक है। तो ए तो पहले से ही चला गया, ठीक है, यानी कि बी और सी में बात करते हैं। तो बी और सी में गौर से देखिए, तो जो हमारा कंपाउंड हमें गेस किया है उसके हिसाब से इसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, एक सिस और दूसरा ट्रांस। तो देखिए बी और सी दोनों एक ही है, और दोनों का ओजोनोलाइसिस करने से आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसके आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी दोनों को जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे। अब आप इसका काउंटर चेक भी कर सकते हो, इसका ओजोनोलाइसिस कीजिए, ओजोनोलाइसिस करने के बाद ये मिलेगा, फिर इसका वॉल्व किसनर कीजिए तो ये मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।